तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज महापूज का। वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल महापूज ब्लॉग्स। तो कैसे आप लोग, मेरा बहुत बढ़िया रहेंगे। और मैं अभी आ गया छत पे, थोड़ा बियर्ड को शेव करना है, साइज करना है इसको। और सुबह सुबह का मॉर्निंग और नींद से आया अभी, सो के ही, जस्ट सो के उठ के 10-15 मिनट पहले उठा है। तो मन किया चलो इसको फ्रेश कर देते हैं। तो आज सैटरडे है, अच्छा लगेगा, नहीं तो संडे का हमको दुकान पर जाके करना चाहिए था। तो उतना ज़्यादा सेव करना चाहिए, सेव मनी, तो इसलिए अपना जो क्या बोलते हैं ट्रिमर है, दिस इज माई फिलिप्स ट्रिमर, ये अच्छा है, बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ मैं, कोई डैमेज हुआ नहीं, कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, 2 सालों से इसको आज यूज कर रहा हूँ मैं। तो चलो इसे कर देते फ्रेश मॉर्निंग मॉर्निंग, तो नहा धो के रेडी होके फिर जाना पड़ेगा ऑफिस, रेगुलर जो लाइव होता है, एंड आगे क्या होता है देखेंगे फिर। तो गाइस, मेरा न्यू लुक फिर से, मतलब अपने अपने से इसको ट्रिम कर दिए, मस्त लग रहा है लुक मेरा, ऐसे अच्छा लगता है, क्योंकि खास तो है नहीं, मेरा शक्ल बहुत अच्छा है नहीं। तो चलो रेडी हो गया, अभी जाना है ऑफिस। और यहाँ पे मेरा चेस्ट माउंट है, इसको टेस्ट करेंगे आज, मतलब जो कैमरा है गोप्रो, यहाँ पे लगा के ब्लॉगिंग कर सकते हैं, मोटो ब्लॉगिंग। तो कैमरा ये तो मैं बहुत दिन पहले लिया था, 2-3 साल पहले, तो अभी टेस्ट करेंगे आज। एंड अभी चलो पहले खाना पीना खा के देखते हैं क्या होगा, ऑफिस में जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा है मेरे को जो धोना है, लेकिन अभी अगर मशीन पे डालूँ तो फिर आना पड़ेगा मेरे को रूम पे। और ऑफिस का जो वॉशिंग मशीन था वहाँ पे पानी है नहीं, वाटर का लेवल अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे डालेंगे तो फिर 1-1.5 घंटे बाद यहाँ आना पड़ेगा। तो चलो डाल देते, बहुत हो गए। देख रहा है ना विनोद कैसे ये लोग ग्रीन टी पी रहे हैं। मिश्रा जी ग्रीन टी पी रहे हैं आप? ग्रीन टी अच्छा है, ग्रीन टी एक नंबर का, अच्छा एक नंबर का। तो महापूज खान भी आज पहली बार ग्रीन टी टेस्ट करने किया, इससे पहले इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए व्यूअर्स के लिए, बस मैं बहुत बार पिया है, आज भी पी रहे हैं। ये मेगा कंपनी की तरफ से मिला मेरे को आज, हमारा पारसनाथ लेके आया था। भास्कर अन्ना डू यू वांट, लीजिए। भास्कर अन्ना ऑलरेडी आई पिंदा कर दिया है, मतलब कंप्लीट हो गया इनका। देख रहे हो ना विनोद ग्रीन टी, देख रहे हो तो कपड़ा निकाल के बाहर डालने के लिए आए थे, लेकिन कपड़ा अभी तक हुआ नहीं, इतना टाइम क्यों लग रहा पता नहीं, कुछ मिस्टेक हो गया है, तो कोई खोल दिया था उसका जो ढक्कन मशीन का जिसके लिए होगा। और तो गाइस ऑफिस जाने से पहले मैं डाला था, अभी भी 2 मिनट दिखा रहा है, टाइम तो 1.5 घंटे का दिखा रहा है, लेकिन क्यों पता नहीं बहुत लेट हो गया आज। फिर भी टाइमिंग अच्छा है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है, मैं यहाँ पर आराम से 1 घंटा बैठ सकते हैं 2 बजे तक, उसके बाद जाएंगे। और रूम में लाइटिंग अच्छा नहीं आ रहा वीडियो के लिए। तो आप लोगों को एक बात बोलना था, बहुत सारा बंदा कमेंट कर रहा है मेरे वीडियो में कि सर मेरे पास ऑफ़र लेटर आ गया, ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा, जॉइनिंग का सब कुछ हो गया, इंटरव्यू हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया, अभी तक ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा। तो मैं इसके लिए बहुत बार जवाब दे दिया, जो कमेंट कर रहा है उसको भी मैं इसको आंसर दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ लोगों कि ऐसा नहीं रहता है कि आपका सिलेक्शन हो गया मतलब 15-20 दिन फिक्स नहीं रहता है, मेघा में ज्वाइनिंग करने के लिए ऐसा फिक्स डेट नहीं रहता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्ट्रक्शन साइट रहता है तो अलग अलग काम लेना होता है, कि हर साल 10-12 प्रोजेक्ट लेते हैं, तो प्रोजेक्ट का काम शुरू होना उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग बुलाते हैं एम्प्लॉई को, ऐसा नहीं कि आप लोग को बुला लेगा फिर 2-3 महीने ऐसे बैठे बैठे, क्योंकि कंपनी हम लोग प्राइवेट कंपनी है, पैसा कमाने के लिए कंपनी खोला गया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको ले लिए बैठे बैठे पैसा दे रहा है, तो इसीलिए प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद ही आप लोग को बुलाएगा, कुछ कॉन्फर्म नहीं रहता है, कुछ फिक्स नहीं रहता है, कभी 15 दिन में बुला सकते हैं, अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में आपको बुलाएगा सेलेक्ट करेगा, तो अगर नया प्रोजेक्ट में शुरू करेगा तो 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना लग सकता है, तो कुछ फिक्स नहीं रहता है। तो धूप जैसा है लग रहा है कि 1/2 घंटा 15 मिनट के अंदर हमारा जो कपड़ा है वो सूख जाएगा, क्योंकि बहुत बाहर धूप है, और सूख भी गया था मशीन पर आपका 20% सूख जाता है, बस बाहर में 1/2 घंटे में हो जाएगा इसमें। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, एक फ्लावर ट्री है हमारे गेस्ट हाउस के छत के, तो इसमें इसका खासियत क्या है, दोपहर को जब सनलाइट हाई रहता है 10 बजे के बाद से लेकर 6 बजे तक, ये जो फ्लावर दिखाई दे रहा है ऐसा रहता है, लेकिन सुबह शाम ये फिर ये अभी ब्लॉसम कंडीशन में है, मतलब इसका
विकसित कहते हैं ना, उसके सिचुएशन में है, ब्लॉसम सिचुएशन में। लेकिन जब सुबह शाम लाइट नहीं रहेगा, सनलाइट, तब ये छोटा छोटा हो जाएगा। अभी बड़ा बड़ा है तो अभी बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए फ़ोटो भी ले लेते इधर, इसका स्मेल भी अच्छा है तो लगना चाहिए। फ्लावर बहुत अच्छा रहता चीज़, सनलाइट। चलो अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं रह सकते, धूप है। तो अभी जो मेरा फ्रेम है, वीडियो का फ्रेम, ये 60 FPS में है, वाइड एंगल 60 FPS फ्रेम पर सेकंड। तो ये अच्छे से बाहर दिखा रहा है। उससे पहले मैं जो वीडियो किया था वो 30 FPS फ्रेम पर सेकंड वाइड एंगल पे था, तो दोनों का डिफरेंस अलग है। इसमें दिखाता है वाइड करके सब चीज़, और उसमें नहीं दिखाता है उतना। तो इसके 60 FPS है फ्रेम पर सेकंड, वो बहुत बढ़िया है। ये जो GoPro के लिए बहुत अलग अलग एंगल है, हर किसी में ट्राई करना पड़ेगा। रेगुलर अगर करेंगे फिर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैंने दोपहर को एक फ्लावर ट्री दिखाया था मैं, जो अपने छत पे है। देखिए इसका फ्लावर अभी कैसे कैसे हो गया, आप लोग को समझ में आया होंगे जो लोग वीडियो देखेंगे। दोपहर में आए थे उस टाइम पे मैं दिखाया था, ये फ्लावर बहुत बड़ा बड़ा था। अभी जैसे सनलाइट चला गया, अभी तो 6 बज रहा है, अभी सन साइन दिखाई दे रहा है लेकिन सनलाइट नहीं है, सन है नहीं। इसके लिए इसका जो साइज कम हो गया, छोटा हो गया। तो इसका एक मतलब स्पेशलिटी यही है, खासियत यही है कि जब सनलाइट रहता है तो बड़ा हो जाता है फ्लावर, एंड सनलाइट चला जाने के बाद जैसे शाम होने लगता है, 4-5 बजने लगता है, तो ये छोटा होने लगता है। तो बहुत बढ़िया है, जब दोपहर को बहुत बढ़िया लगता है देखने में, खास करके अभी तो नहीं है उतना, तो इसको देखना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। सुबह सुबह पानी डालते हैं हमारा इंजीनियर लोग, सीनियर आदमी लोग, मतलब हमको भी देखना चाहिए। हम भी यहाँ का स्टाफ है, मतलब यही रहते हैं, तो हमारा भी जिम्मेदारी रहता है। लेकिन चलो अभी मीटिंग होने वाला, सब लोग चला गया। मैं तो कपड़ा जो डाला था दोपहर को, मतलब निकालने के लिए आया था, मतलब बाहर से रूम पे डालने के लिए, तो ये ऑलरेडी निकाल दिया था हमारा आदिल अन्ना सीनियर आदमी। तो मेरा हो गया काम, अभी मीटिंग जाएंगे, क्या बोलेंगे क्या होगा मीटिंग देख लेते हैं आज। और फिर मेरा टारगेट जो था वो क्या बोलते हैं, मोटो ब्लॉग करने का, मोटो ब्लॉग भी करना है। कल संडे है, इंशाल्लाह करेंगे। एक मैं कल लाइव आया था, लाइव स्ट्रीम में, तो लेकिन ऑपोजिट आ रहा था वो वीडियो, तो कल मैं मोटो ब्लॉग आऊँगा इंशाल्लाह, टारगेट है। घूमेंगे, स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे, साइट विजिट करेंगे। कल संडे है तो साइट विजिट करेंगे। और एक प्लान है, कल हमारा पार्टी होने वाला है, संडे पार्टी, और जहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट प्लान बनेगा वहाँ पर बकरा काट के थोड़ा पार्टी होगा, अच्छे से पूजा वूजा करके, खाना पीना बढ़िया सा रहेगा, मटन रहेगा। तो मटन अगर अच्छे से बनेगा तब अच्छा होता है, लेकिन बना नहीं पाते ये लोग। देखेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे, बस जुड़े रहना मेरे चैनल पे, रेगुलर सब कुछ देखेंगे, क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कंपनी में रहते हैं कंपनी के बारे में आप लोग को पता चल जाएगा, और ऐसा लाइव सब अच्छा रहेगा, तो सपोर्ट करिए मेरे को। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर मैक्सिमम जो बोर है, तो पानी का बोर, वो पानी लिया नहीं ले पा रहा है। इस गर्मी का मौसम चला, बारिश नहीं हो रहा तो पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए टैंकर से पानी सप्लाई करना पड़ेगा, पड़ रहा है गेस्ट हाउस में। जैसे हमारा गेस्ट हाउस में पानी आ रहा है, फिर भी प्रॉब्लम नहीं हुआ पानी का अभी तक। मैक्सिमम 90% देखेंगे तो पानी का प्रॉब्लम चला है यहाँ पे, तो टैंकर से पानी डालना पड़ता है बाहर से ला के। 500 रुपया पर ट्रैक्टर टैंकर जो है, ऐसा रेट चलता रहता है। నహీ సరే तो गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा, सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। खत्म होगा, अभी हम लोग खाना खाएंगे।
भोजन करेंगे, डिनर करेंगे। एंड चलो बने रहिए चैनल पे, दिस इज़ माय चैनल महफूज ब्लॉग्स। तो जाके सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को मिल जाए।